अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आज भी नई मालूमात के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज की मालूमात में सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो वीट की फसल है, गंदम की जो फसल है, वो इन दिनों में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आ रहा है कि गंदम की फसल पीली पड़ रही है, पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई धब्बे नमा ऐसे लग रहा है जैसे फंगस की कोई डिजीज़ है। तो लिहाजा इस तरह की जो कंडीशन है ये इन दिनों में आम तौर पर फील्ड्स के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन में आ रही है। तो लिहाजा अब इसके लिए मुख्तलिफ माहिरीन से डिस्कशन करने के बाद ये चीज़ें मालूम हुई थी जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करना चाह रहा था। वो ये है दोस्तों कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे फील्ड, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीलापन है वो कई वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसमें जो है वैरायटी का करैक्टर भी हो सकता है। जैसा कि मैक्सी पाक जो वैरायटी है जो शुरू में आई थी 1960 के बाद, उसका जीन जिस जिस वैरायटी के अंदर गया है वो पीलापन जो है वो शो करती है, उसका एक जेनेटिकल करैक्टर है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो है वो कोरे का और मौसम का जो है उसका अमल दखल है। तीसरे नंबर पर जिन लोगों ने पानी की मौजूदगी की वजह से कंजेक्टिव इरीगेशन की है, 3 से 4 जो दफ़ा पानी लगाया है, तो उनके खेतों के अंदर भी ये मसले आ रहे हैं कि उनकी फसल पीला पड़ रही है। फिर मेट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान के साथ मिक्सचर जिन लोगों ने वीडीसाइड का स्प्रे किया इकट्ठा, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान इतनी नरम दवाई नहीं है, तो लिहाजा जिन लोगों ने सल्फोसल्फ्यूरान को दूसरी हार्ड वीडीसाइड्स के साथ मिक्स करके स्प्रे किया था, उन लोगों का भी जो फील्ड है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर दोस्तों गंदम जो है वो पीली पड़ रही है, नोके उसकी पीली पड़ रही हैं। उसके बाद हम बातें आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों अब करना क्या है, करना भी ये है दोस्तों आप लोगों ने कि एक बैग अमोनियम सल्फेट का, हाफ बैग आप लोगों ने SOP का, और इसके साथ 3 किलो जो है वो जिंक सल्फेट, ये आप लोगों ने अलग अलग पानी के साथ फ्लड करके आप लोगों ने गंदम के खेत को देनी है। अगर ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग देंगे और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये बेहतरीन तरीके से ये फसल आपकी जो है वो परवान चढ़ेगी। तो लिहाजा दोस्तों आज की मालूमात यहीं तक, कोशिश कीजिएगा इस मालूमात को दूसरों के साथ भी शेयर करें। बाज़ लोग जो है वो धड़ाधड़ फंगीसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं, नो डाउट नमी ज़्यादा है, कुछ फंगस की डिजीज़ आ सकती हैं, लेकिन बेहतरीन हाल ये है कि आप ये न्यूट्रिएंट्स दें, सल्फर अप्लाई करें जो कि एज ए फंजीसाइड भी है। गांव में याद रखें, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को। अल्लाह हाफिज़।